आज हम जानेंगे रेडिएटर कैप के बारे में। तो जो रेडिएटर कैप है, आजकल जो रेडिएटर आ रहे हैं वो प्रेशराइज रेडिएटर है। तो यहाँ पे जो कैप है उसका बहुत बड़ा रोल है, अभी उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो जो हमारा रेडिएटर कैप है वो कूलिंग सिस्टम का पार्ट है और वो हमारा कहाँ रेडिएटर पे लगा रहता है। अगर हम देखें तो थोड़ा देख लेते हैं यहाँ पे। तो ये हमारा रेडिएटर है, यहाँ से यहाँ तक पूरा ये अपर टैंक है। इसकी कोर्स है, कोर को ट्यूब भी बोल देते हैं हम। ये हमारी फेंस है, जो रेड रेड फेंस है ये सारे में होती है, कोर्स जितनी भी होगी वहां पर फेंस लगी रहती है। तो हमने ये कम दिखाया हुआ है। फेंस का क्या काम है? फेंस का काम है सरफेस को एक्सटेंड करना, सरफेस को बढ़ाना। उससे क्या होता है, जो हीट ट्रांसफर रेट है वो हाई हो जाता है। ये लोअर टैंक है, लोअर टैंक में हमारा एक ड्रेन प्लग छोटा सा लगा रहता है। यहाँ बात करेंगे, ये है हमारा रेडिएटर कैप। जो अभी बात करने वाले हैं आज, वो हम रेडिएटर कैप के बारे में बात करने वाले हैं। अब आपने देख रहे हो कि रेडिएटर कैप से एक पाइप गया हुआ है, पतला वाला या हौजी बोल सकते हो आप लोग। तो ये जो पाइप आया हुआ है वो हमारा एक्सपेंसर बोतल में आ गया है। एक्सपेंसर बोतल या फिर रिकवरी बोतल या फिर कभी कभी रिजर्वर भी लोकल लैंग्वेज में बोल देते हैं। तो आप देख रहे हो ये जो हौज आया हुआ है ये बिल्कुल लास्ट तक गया हुआ है। अगर ये लास्ट तक नहीं, हम ऊपर तक कर देते तो क्या प्रॉब्लम होगी, वो भी जानेंगे भी थोड़ी देर बाद। तो ये आ गया एक्सपेंसर टैंक। एक्सपेंसर टैंक में आप देख रहे हो हाई लेवल और लो लेवल दो लेवल है। तो हमको जो कूलेंट है, पहले क्या करते थे, रेडिएटर कैप खोलते थे, वहां से टॉप अप करके चेक करते थे। टॉप कम होता था तो टॉप अप करते थे, अदरवाइज चेक करते थे कि कूलेंट कम है या ज्यादा, कम तो नहीं है, ज्यादा तो हो गई नहीं, वहां पे कम तो नहीं है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, हमको लेवल बना के रखना है, वो हाई और लो के बीच में बना के रखना है, ये याद रखना है अपने को। उसके बाद जो कैप है, ये कैप जो होता है हमारा फिक्स रहता है, इसमें एयर बाहर से नहीं जानी चाहिए, पर ये भी हमको याद रखना चाहिए। इसमें क्या है, एक हमारा ओवरफ्लो का हॉज लगा रहता है, उससे क्या है कभी भी अगर इंजन हमारा ओवरहीट हो गया और वॉल्यूम जो है किसका कूलेंट का वो बढ़ गया और यहाँ पे कूलेंट आ गया और ये भी बढ़ता जा रहा है, तो हमारा क्या है वो बाहर ओवरफ्लो को डाल देगा। इसके बारे में अब हम बात करते हैं रेडिएटर कैप की। तो ये है रेडिएटर कैप है हमारा। तो आप देखोगे सबसे पहले बेसिक चीज जानते हैं, तो रेडिएटर कैप है उस पर सबसे पहले कंपनी का नाम लिखा होगा या फिर डेंजर करके लिखा होगा, मतलब बचना है, गर्म रहता है इस वजह से लिखा रहता है। और यहाँ पे वार्निंग का, डेंजर की वार्निंग का सिंबल भी बना रहता है इसी वजह से, ताकि कभी भी चलते, जैसे चल रहा है इंजन, कभी भी ये खोलना ओपन नहीं करना चाहिए, या फिर इंजन बंद हुआ है, जस्ट अभी बंद हुआ है और तो भी ओपन नहीं करना चाहिए, मिनिमम 25 मिनट्स बाद इसको ओपन करना चाहिए। उसमें भी अपने को फेस दूर रखना चाहिए और ऐसे करके थोड़ा सा क्वार्टर भी से कम खोलोगे तो प्रेशर रिलीज होगा, उसके बाद ही इसको ओपन करना है। अब आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है 0.9, तो किसी में लिखा रहेगा 1.2 लिखा रहेगा, किसी में 0.7 लिखा रहेगा। तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है जो हमारा प्रेशर है सिस्टम का, मतलब कूलेंट का प्रेशर, कूलिंग जो सिस्टम है हमारा, उसका जो प्रेशर है वो 0.9 बार है। अगर 0.9 बार से ऊपर जाएगा तो इसमें क्या है, लगता ही है छोटा सा, इसका काम बहुत बड़ा है। इसमें दो वाल्व होते हैं, तो ये जो दिख रहा है ये वाला, ये मैं तो दबा रहा हूँ ताकत लगा के, ये होता है हमारा प्रेशराइज वाल्व या फिर प्रेशर वाल्व भी हम इसको बोल देते हैं, मैन वाल्व भी बोल देते हैं कभी कभी। उसके बाद में ये हो गया प्रेशराइज्ड, ये जो छोटा सा दिख रहा है ये वाला, ये ऐसे खिंचता नीचे की तरफ आता है, ये आ गया, इसको वैक्यूम वाल्व बोलते हैं। मतलब कह सकते हैं कि ये कैप है, जो ये वाला पोर्शन है ये हमने ग्रीन से दिखाया हुआ है और जो ये वाला पोर्शन है वो हमने ब्लैक से दिखाया हुआ है। ये दिख रहा है, ये वाली जो स्प्रिंग है, ये पीछे जो स्प्रिंग दिख रही है बड़ी वाली, ये मैन स्प्रिंग है, इसमें इसके लिए वाल्व के लिए मैन स्प्रिंग लगाई हुई है। और जो ये छोटा वाला है इसके अंदर, इसके अंदर ये होल होता है एक, ये दिख रहा है होल, होल के अंदर अगर आप देखोगे ये होल है यहाँ पे, इसके अंदर भी एक छोटी सी स्प्रिंग रहती है, उसको लोअर प्रेशर स्प्रिंग बोल देते हैं, ताकि ये वाल्व जो है हमारा ओपन हो जाए। अभी क्या हुआ, सबको पता है टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, पता है। तो क्या हुआ, इंजन स्टार्ट हुआ, इंजन गर्म होना स्टार्ट हुआ, इंजन गर्म होना स्टार्ट हुआ मीन्स कूलेंट वाटर जैकेट में होकर कूलेंट घूम रहा है, तो कूलेंट भी हमारा गर्म होना स्टार्ट हुआ। जब कूलेंट गर्म होगा तो प्रेशर बनना स्टार्ट हो गया, प्रेशर डेवलप हो गया। जब मेरे सिस्टम में प्रेशर डेवलप हो रहा है, टेम्परेचर हाई हो रहा है कूलेंट का, तो क्या होगा, जो वॉल्यूम है मेरे कूलेंट का या फ्लूड का वो भी हमारा बढ़ेगा। अब वो वॉल्यूम बढ़ेगा, अगर ये कैप नहीं लगाते तो क्या होता, या तो जो हमारा सिस्टम वो ब्लास्ट कर देता, जो भी पार्ट हमारा वीक है वो ब्लास्ट कर देता, अदरवाइज क्या होता, हम यहाँ पर अगर इसको एक्सपेंशन टैंक नहीं डालते तो क्या होता, ओवरहीट हुआ कूलेंट, ये कैप ऊपर हुआ कूलेंट हमारे यहाँ से हमने नीचे गिरा दिया। अब क्या है, कंटिन्यू हमारा कूलेंट गिरता जा रहा है, एक्सपेंसर बोतल नहीं लगाई हुई है, तो उस कंडीशन में, उस केस में क्या होगा,
एक टाइम ऐसा आएगा कूलेंट हमारा खत्म हो जाएगा, और कूलेंट बहुत कॉस्टली है फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, जब वो जमीन में गिरेगा तो पॉल्यूशन का भी इश्यू उसमें रहता है, इसलिए हमने एक्सपेंसिव फोटो लगाया। अब ये काम कैसे करता है, अब ये देखना है प्लीज, ये काम है आपका मेन। अब क्या हुआ, हमारा फ्लूड गर्म हो गया, कूलेंट गर्म हो गया। जब हमारा कूलेंट गर्म हुआ तो क्या हुआ, जो ये ग्रीन दिख रहा है, जो ये ग्रीन दिख रहा है मीन्स ये मेरा यहाँ पे लगा हुआ है, ऐसे लगा हुआ है। जब ये यहाँ पे दिख रहा है तो ये मेरा ऐसे दबा, मीन्स अगर इसमें 0.9 बार से ऊपर प्रेशर बना, एक बार प्रेशर बना तो ये दबा, मतलब प्रेशर रिलीफ वाल्व की तरह काम करेगा, ये दबा। और जो मेरा एक्स्ट्रा कूलेंट का वॉल्यूम है, एक्स्ट्रा जो कूलेंट हो रहा है, वो यहाँ के थ्रू कहाँ चला गया, एक्सपेंसिव टैंक में चला गया, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, अब एक्सपेंसिव टैंक में तो चला गया, मीन्स मेरे रेडिएटर में से कम हो गया, रेडिएटर में से क्या हो गया, कम हो गया। अब थोड़ी देर बाद क्या हुआ, हमने इंजन को बंद कर दिया। जब इंजन ठंडा होने पाएगा, टेम्परेचर कम होता जाएगा, तो क्या होगा, जो मेरा कूलिंग सिस्टम है रेडिएटर, उसके अंदर क्या होगा, एक वैक्यूम क्रिएट होगा। क्या कम क्रिएट होगा, वैक्यूम क्रिएट होगा। तो जो वैक्यूम मेरा क्रिएट हो रहा है, तो क्या होगा, ये जब वैक्यूम क्रिएट हो रहा है, तो हम इस वो पहले तो दबा रहा था उसको, अब इसको खींचेगा, खींचेगा। तो जब वो इसको खींच रहा है, मीन्स जो ये छोटी वाली स्प्रिंग है, लोअर स्प्रिंग, तो जी ये जो मेरा वाल्व है, वैक्यूम वाल्व, ये मेरा कहां डाउनवर्ड आ जाएगा, ये मेरा डाउनवर्ड आएगा। और जब ये मेरा डाउनवर्ड आएगा, जब ये मेरा डाउनवर्ड आएगा, तो जो फ्लो रहेगा कूलेंट का, वो क्या रहेगा, एक्सपेंसर टैंक से ये खींचेगा इसको, ये खींचा इसने, ये खींचा इसने, और ये जो दिख रहा है, ये वाला पोर्शन जो यहाँ पे कट दिख रहा है, यहाँ के थ्रू मीन्स जो होल है, ये कट क्या है, ये होल है, ये कट, ये होल है। तो यहाँ के थ्रू मेरा कूलेंट कहाँ चला जाएगा, टैंक कहाँ चला जाएगा। हमारा एक ये टॉपिक रह गया था छोटा सा, कि इसको कट कर देते हैं, बोला था मैंने स्टार्टिंग में। तो अगर मैंने इसको कट कर दिया, अब क्या हुआ, वैक्यूम क्रिएट हुआ, वैक्यूम क्रिएट हुआ, तो इसने क्या खींचा, अभी तरफ वैक्यूम खींचा, तो यहाँ से कूलेंट तो इसके अंदर जाएगा नहीं, कूलेंट तो यहीं तक है, तो हवा एयर चली जाएगी इसके अंदर। अगर एयर मेरे कूलिंग सिस्टम के अंदर चलेगी, मेरा वाटर कूलिंग सिस्टम है, कूलेंट कूलिंग सिस्टम है, उसके अंदर एयर चलेगी तो कोई फायदा नहीं है, हमारा ओवर हीट के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो एक बार फिर से बता देते हैं, ये रेडिएटर कैप है, ये हमारा कौन सा है, प्रेशर वाल्व है, प्रेशर रिलीफ वाल्व भी आप बोल सकते हो, ये छोटा वाला कौन सा है, वैक्यूम वाल्व है। थैंक यू।